हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। हमने देख के आप लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि यार वीडियो किस चीज पे है, एंड काफी लोग कंफ्यूज भी होंगे। सो या सून आई एम गोना चेंज माय क्रू अकोमोडेशन। आई एम मूविंग समवेयर एल्स। आई एम लिविंग दिस अपार्टमेंट एंड It's been like one and a half year that I'm in this apartment. I've created a lot of good memories, bad memories, and a lot of stuff. But yeah, everything is a time. So now, soon it's gonna be the time to say bye to this apartment. So keep watching the vlog to know more that where I'm going. So आज के दिन start करेंगे एक नए vlog के साथ. So keep on watching. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो बेसिकली आई केम बैक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट एंड काफ़ी लंबी फ्लाइट थी, 10 hours 30 minutes की फ्लाइट थी। एंड मैं हो चुकी हूँ जेट लैग का शिकार, बिकॉज फ्लाइट पे मुझे जब रेस्ट मिला एंड मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मेरी आंखों में नींद भरी पड़ी थी, बट मैं 3 घंटे के रेस्ट में भी नहीं सो पाई। फ्लाइट पे जाने से पहले मैं अपने कपड़े यहाँ से उठाना भूल गई थी एंड मैं आई डोंट नो मैं क्यों पहले की ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, बट मेरे माइंड ने उस टाइम कहा कि नहीं पहले इसको उठाना है, तो फिर मैं वही करने लग गई। और अगर आप में से किसी को जेट लैग का मतलब नहीं पता है तो इन शॉर्ट वही होता है कि आप कितने भी थके रहो, कितने भी नींद आपको आ रही है, बट आप नहीं सो पाते हो बिकॉज ऑफ लॉन्ग फ्लाइट्स। आपके स्लीप पैटर्न काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है एंड मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है। सो लेट्स सी व्हाट आई एम गोना डू, बट आई विल फोर्स माय सेल्फ टू स्लीप। Hey beautiful people, I'm back. So as I said that I forced myself to sleep and I slept like for 5 hours and it was a good power nap. Now I'm awake and I'm just cleaning the mess in my room. उठने के बाद मुझे काफ़ी fresh feel हो रहा था and मैंने यही सोचा कि room को clean कर लेते हैं, because room जब clean नहीं रहता ना तो बहुत अजीब सा लगता है। नहा धो के मैं एकदम fresh हो गई थी। I know दोपहर का time है, but because मैं एकदम fresh हुई थी तो मेरी शुरुआत अभी हो रही है दिन की। मैंने पूजा कर लिया, मैंने कुछ खाया भी नहीं था फ्लाइट से आने के बाद भी, मैंने कुछ नहीं खाया था, बस मैं पानी पी के सो गई थी। सो नाउ आई एम जस्ट गोना ईट समथिंग एंड देन विल कंटिन्यू दिस व्लॉग। There are a lot of stuff which I have to pack, but obviously it's gonna take time. Obviously it's not just one bag or this thing. मैंने shifting की थी, it was 2020 when I got my transfer from Kolkata to Delhi. इतना maturity भी नहीं थी, बस ऐसा लगा था कि हाँ ठीक है, और उस time इतना सामान भी नहीं था कि जो मुझे shifting में इतना problem हो. To be very honest, जब मैं Air Asia में Kolkata से Delhi आई थी तब मेरा इतना ही सामान था and that's it. But now I'm gonna experience कि shifting actually होती क्या है. To be very honest, time flies so fast and it's true, no doubt. I didn't even realize that I spent like 1.5 years in this accommodation. I still remember the first day when I came to Dubai. I was so happy and excited when I saw my apartment and I was like, my God, my room is so beautiful. I know it's small, but at that time I was so happy that this is gonna be my new apartment and
I'm gonna stay here as an Emirates cabin crew. I was so happy, and you guys even remember that I made the vlog. Still remember that how I was awake till 3 a.m. or 4 a.m. I don't remember, but I made a vlog as well. And उस दिन रात भर जग के मैंने इस रूम को इतना डेकोरेट किया था. एंड मैंने हमेशा से यही कोशिश की है कि मैं इस रूम को जितना कोजी बना सकती थी मैंने इसे कोजी बनाने की कोशिश किया. बिकॉज somehow I knew कि मैं कहीं से भी थकी आ रही हूँ या फिर मेरे को कितनी भी टेंशन हो या फिर कितना भी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में हो, ये एक रूम है जो कि मैंने इसको अपने तरीके से डेकोरेट किया हर चीज़ से, कि मैं यहाँ पर आती थी ना तो मैं एकदम टेंशन फ्री हो जाती थी और मेरे को बहुत अच्छा फील होता था. ऐसा लगता था कि ये मतलब यू नो मैं थकी आ रही कहीं से भी आऊँ, इवन फ्लाइट से भी, तो मेरा रूम मेरे को वेलकम करता था कि बस आ जा तू. Like whatever I have done with love and positivity, and this room is something जिसने मुझे हमेशा एक positive vibe दी है. And मेरे अंदर एक चीज़ है कि मेरे life में चाहे कोई भी चीज़ आए या कोई भी इंसान आए, like if it's people or any small thing, कुछ भी चीज़ है, मैं उससे बहुत ज़्यादा connected हो जाती हूँ. Like मैं उससे अपने आप को इतना connect कर लेती हूँ ना कि जब उस चीज़ का जाने का time आता है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं emotional और hurt करती है. And अब इस room का भी time आ गया है जाने का. एंड मैं यहाँ से भी बहुत पॉजिटिविटी, और जितनी पॉजिटिविटी मैंने इस रूम में फैलाई है वो सारी पॉजिटिविटी यहाँ से लेके जाऊँगी अपने न्यू अपार्टमेंट में. एंड एक चीज़ जो चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी चीज़ का आने का टाइम होता है तो उसका जाने का भी टाइम होता है. एंड सून आई एम गोना से बाय टू दिस अपार्टमेंट. सो या I am kind of emotional. Also, today is the first day that I have started packing my stuff so that मैं अपनी shifting शुरू कर सकूँ. And आज से मैंने packing शुरू की है. थोड़ा सा बुरा लग रहा है जब मैं packing कर रही हूँ तो, but it's okay. Obviously, हर चीज़ का कहीं ना कहीं बुरा तो लगेगा, but खुशी भी मुझे उतनी है कि मैं अपने न्यू अपार्टमेंट में जा रही हूँ. जब यहाँ पे आती हूँ ना थोड़ा सा बुरा लगता है ऐसे सब कुछ देखती हूँ तो बुरा, जब मैं अपने न्यू अपार्टमेंट में जाकर उसको देखती हूँ ना तो मुझे खुशी सी होती है कि हाँ मैं यहाँ पे आके रहने वाली हूँ. तो कहीं ना कहीं दोनों इमोशनल अपने आप ही फाइट कर रहे हैं अंदर मेरे. बट या सो अभी बहुत सारे स्टफ है, बहुत सारा सामान है, मेरे इतने सारे कपड़े हैं, मुझे उसको पैक करना है. एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं सारी चीज़ें एक ही बार में ले जाके उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, नहीं. बट लकीली मेरा अभी का जो रोस्टर है वो बहुत ही अच्छे से स्केड्यूल हो रहा है हर चीज़, बिकॉज नाउ आई जस्ट हैव टर्न अराउंड फ्लाइट्स. एंड टर्न अराउंड फ्लाइट्स मेरी आई गेस बैक टू बैक 4 टर्न अराउंड फ्लाइट्स हैं. सो दिस इज़ अ गुड पार्ट कि आई हैव टाइम टू शिफ्ट माई स्टाफ. एंड देन मेरे पास डेज ऑफ भी हैं, सो स्लोली स्लोली आई एम जस्ट गोना शिफ्ट एवरीथिंग. सो अभी मैंने ये चीज़ तो पैक कर ली है, अभी आई एम जस्ट गोना गो टू माई न्यू अपार्टमेंट एंड आई पुट ऑल द स्टफ देयर एंड देन बैग लेके मैं वापस आ जाऊँगी सो दैट आई कैन पैक अदर स्टफ इन दिस बैग. सो वी गोना मिस दिस अपार्टमेंट एंड वी गोना मिस दिस रूम एज वेल. आप लोग भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस रूम को और इस अपार्टमेंट को मिस करोगे, बिकॉज आप लोग मुझे स्टार्टिंग से इधर देखते आए हो. स्टार्टिंग से आप लोगों ने मेरे को, जिस दिन से मैं दुबई आई हूँ, मेरे साथ आप लोग भी इस जर्नी में हो, मेरे साथ आप लोग भी दुबई आए हो थ्रू माय व्लॉग्स. एंड आप लोग भी मेरे साथ इस रूम में शिफ्ट हुए हो जब मैं शिफ्ट हुई थी. एंड आप लोग मुझे स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो, विच मीन्स कि हम सब ने इस घर में 1.5 years स्पेंड किया है साथ में. नाउ इट्स टाइम टू, नॉट नाउ बट सून इज़ गोना बी टाइम टू से बाय टू दिस अपार्टमेंट. बट दैट्स लाइफ गाइज, एट सम पॉइंट वी हैव टू से बाय, नो मैटर वॉट, नो मैटर हाउ मच इट हर्ट्स. चाहे वो आपकी नॉर्मल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कोई सी भी लाइफ हो, एट सम पॉइंट यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ एंड यू हैव टू से बाय. दैट्स हाउ वी ग्रो इन आवर लाइफ, दैट्स हाउ वी अचीव like good things. and that's what I'm gonna say. so बहुत ज़्यादा चपड़ चपड़ हो गई है आज के लिए, not आज के लिए, अभी इतना packing करने के बाद मैंने इतना चपड़ चपड़ करा है. even मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है.
हे गाइस, सो आई एम बैक एंड शिफ्टिंग मैंने अपनी शुरू कर दी. अपना आधा सामान जो मतलब जो सामान मैंने आज पैक किया था वो बेसिकली मैं वहाँ पे अपने न्यू अपार्टमेंट में रख के आ गई हूँ. सो आई एम मीटिंग माई फ्रेंड टुडे. इज भी सॉर्ट आउट हो गए, वी आर गोइंग आउट फॉर डिनर. सो मुझे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है. सो आई एम रेडी. Now I'm just leaving. Let's go. Also, I didn't change my outfit because we're gonna go for cycling, and I guess this is so comfortable for me. And कौन चेंज करेगा यार बार बार कपड़े. I just love to go out for walk during this time. Just going to attend my friend, and then we're gonna go for the dinner. काफ़ी टाइम से मेरा साइकिलिंग करने का मन कर रहा था एंड डिनर के बाद आई जस्ट आज माई फ्रेंड के लेट्स जस्ट गो फॉर साइकिलिंग एंड हम लोग साइकिलिंग कर रहे थे. कम से कम रात के 1-2 बजे तक हमने ऐसे साइकिलिंग किया है. बहुत मज़ा आया और दुबई में इस टाइम पे वेदर बहुत अच्छा हो रखा है. गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड नाउ आई एम गोना एंड दिस व्लॉग. या आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. लगा है तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. नहीं लगा है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं. नाउ आई विल सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय एंड टेक केयर. बाय. Love and peace, and please spread positivity.